माचिस है, माचिस माचिस भैया, माचिस है माचिस के हमारे बीड़ी बाज भाई ने पीछे की साइड में टाटगढ़ सेंचुरी भी है। इनको ये लगता है कि अपन हुक्का पियेंगे। सुना है यहाँ सारा बापू इसी जेल में अभी भी। मैं मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। एक वो ब्लैक ब्यूटी, एक ये ब्लैक ब्यूटी। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज की सुबह हो चुकी है। ये देखो अपना अपना भाई उठ गया है। पहाड़ है आसपास और इधर पीछे टाटगढ़ अभ्यारण्य के बीच में छोटा सा गांव आया था जहाँ पे हम रुके। वैसे क्या रहता है कि जंगली इलाका था, रात में जानवरों का खतरा रहता है। एक डॉग था एक बार तो बड़ा भौंकने लग गया था। हमें लगा कि कोई जानवर आ गया लगता है, तो हम ऐसे एक्टिवेट हुए। गाड़ी में उसको अपनी परछाई दिख रही है तो वो भौंक रहा है। अभी बड़ी कुछ लकड़ियों का इंतजाम हुआ है, बॉनफायर होगा। ये अपना टेंट आज हमने पैक किया है, नहीं मैं इसको अच्छे से धूप लगने दो। और ये छोटी सी हट बनी हुई है, इधर सनराइज हुआ है। ये अपना भाई लकड़ियां ढूंढ के ला रहा है। पूरा मिट्टी वाला इलाका है, ठंडी भी हो रही है मिट्टी की वजह से और पहाड़ भी है, दोनों चीजें हैं। और ग्रीनरी भी है और पीछे की साइड में टाटगढ़ सेंचुरी भी है। तो सुबह सुबह हम थोड़ा पानी गर्म कर रहे हैं पीने के लिए। एवरीबॉडी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब माचिस वाचिस रखते हैं तो ढंग से आग नहीं लगती है, तो ये कहीं से लाइटर लिया था। ये भी बहुत ही कम है मतलब, और अभी इसको जला रहे हैं, ये बस इतना ही जल रहा है, इससे आग नहीं पकड़ रही है। तो ये सैनिटाइजर लेके आए हैं, जुगाड़ करके देखते। सुना था कि सैनिटाइजर से आग लगती है, आज टेस्ट करेंगे, रियल टेस्ट, आग वाकई लगती भी है या नहीं लगती है। इधर सैनिटाइजर डाल दिया मैंने, अभी देखते हैं अगर आग पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। ये नहीं, ये तो प्रयोग ही फेल हो गया हमारे भाई के। बिना सैनिटाइजर के हमारे बीड़ी बाज भाई ने गजब बेइज्जती है। लगता है तो जकल से बीड़ी बाज से हूँ, गाँव से गाँव। हाँ हम तो रह गए शहरी, चूल्हे जलाए हुए हमारे। हाँ चूल्हे माचिस से जलते थे, लाइटर से नहीं भाई। अच्छा हमको सिखा रही है भाई, तेरी लुक आ रही है पीछे ये हट के साथ में, सही बढ़िया लुक आ रही है। इसको आज अच्छे से धूप लगने देते क्योंकि गीला हो रखा है ये यार, इसको पहले सूखने दो फिर इसको आराम से पैक करेंगे। पहाड़ों में से होते हुए अभी हम जा रहे हैं, मतलब यहाँ के पहाड़ ही बड़े अलग हैं, बिल्कुल पथरीला इलाका है, बड़ा गर्म इलाका है। तो यहाँ का पहनावा वेशभूषा कुछ इस तरीके की है, देख पा रहे होंगे ये छोटी सी मंडी है। तो एवरीबॉडी देखिए यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी है, माचिस ही नहीं है हमारे पास। और ये लड़का चलते फिर तो कोशिश कर रहा है किसी से लाइटर पूछूं, कोई माचिस पूछो, लेकिन भाई ये भी राजस्थान के लोग हैं, नहीं देंगे। चार पांच को रुकवा लिया, अरे नहीं है, अरे माचिस नहीं है यार, कमाल हो गई। लोग यहाँ पे बहुत बीड़ी बीड़ी पीते हैं लेकिन माचिस कोई नहीं देगा भाई। माचिस है माचिस माचिस, अरे ठीक है भैया, माचिस है माचिस, ठीक है जी ठीक है। दो एक्सपीरियंस मैंने कैमरे के सामने करवा दिए, कोई दे ही नहीं रहा है। माचिस है माचिस, चलो ठीक है ठीक है, एक माचिस ला देना, ठीक है ठीक है ठीक। अरे ये बढ़िया मिली, ये कहते हम आपको माचिस ला देते हैं, बस पांच मिनट वापस आ रहे हैं हम। किसी के पास माचिस नहीं और सबके पास है लेकिन देना कोई नहीं था। इनको ये लगता है कि अपन हुक्का पियेंगे, शक्ल वही है ना हुक्के वाली थी। नहीं तेरी तो है भाई, मेरी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है, तेरी वाला लगता है, टोन वही है। अरे तू रहने दे, हरियाणा वाला साला तू निकल यहाँ से, कुछ भी हरियाणा वाली टोन कहाँ आती है मेरी, कितनी शुद्ध हिंदी है आप समझो। अपनी चाय विद दिस बियर्डो मैन इंडिया, देखिए यहाँ हमने कुकिंग की चाय बनाई एंड अभी ब्रेड के साथ खाएंगे। और ये इस व्यू के साथ राजस्थान में हैं हम, जोधपुर के नियर बाय। अभी थोड़ा सा जोधपुर घूमेंगे और उसके बाद जैसलमेर निकलेंगे। ये देखो जी रास्ते में हमें मिले बजरंगबली का स्टैचू, बहुत ही बढ़िया। और एक तरफ ये गाय का इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, दूर से ही अट्रैक्ट कर गया और हम रुक गए। देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लुक एट दिस। नहाने की बड़ी नीड है कल तो हम नहा लिए थे यार उस रेस्ट होटल में, यहाँ जोधपुर अपना दोस्त रहता है, प्लान कर रहा हूँ उससे बात करते हैं, उसके बाद जाके चेंज वेंज करेंगे, बढ़िया से नहाते हैं फिर। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल ओम की आकृति बनी हुई है, देख सकते हो आप। और ये है ओम आश्रम, इधर की तरफ अंदर जाके आप देख सकते हो इसको, और इसका स्ट्रक्चर ओम की तरह है बिल्कुल। आपने पंजाब वाला बठिंडा तो देखा होगा, ये है राजस्थान वाला बठिंडा जो जोधपुर रोड पे आता है। अभी हम जोधपुर पहुंचने वाले हैं और राइट नाउ मैं बठिंडा में हूँ, बठिंडा राजस्थान। तो ये है लूनी नदी, मैं हूँ अभी लूनी नदी के पास और यहाँ से थोड़ी सी दूरी के बाद में आ जाएगा जोधपुर। ये अपना भाई मिल गए जोधपुर में, चले भाई किधर चलना है, इधर चलो। रॉयल एनफील्ड में पहली बार बैठा है हो जाएगा तो सीख जाएगा सीख जाएगा। अरे अरे भाई नया बंदा है, हम गाड़ी पे लगवा रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें आ रही है कि आप कुछ लगवा नहीं रहे हो, तो देखो
100 डेज ऑफ सफरनामा लगवा रहे हैं, वो भी 60 दिन बीतने के बाद में गाड़ी पे। और भाई की भी ये शिकायत थी और भाई की भी शिकायत थी, आज इनकी शिकायतें हम दूर कर रहे हैं। इसके अलावा कल जो साइकिल सवार मिला था उसकी भी शिकायत थी। यहाँ अपना 100 डेज ऑफ सफरनामा और इधर नीचे दीप डाल का थोड़ा बड़ा लोगो करके लगा रहे हैं। एक गेड़ा दोगे साइकिल का? दोगे? हाँ। तो ये बड़े बड़े नाम लिखाए जा रहे हैं, देखिए 100 डेज ऑफ सफरनामा आज 61वें दिन पे लग रहा है जाके, लेकिन चलो ठीक है। तो ये देखिए अपने जोधपुर में आते ही भाई ने चाय पेश की है, यहाँ की स्पेशल चाय। ये देखो उबल रही है, मतलब उबल रही है उससे आइडिया लग रहा है मसाला चाय होगी तगड़ी। क्या होगी? मसालेदार सबसे बेस्ट चाय है। चाय की चुस्की लेने आए यहाँ पे, ये पीछे के साइड में एक जेल है, सुना है यहाँ आसाराम बापू इसी जेल में अभी भी। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ अभी ब्लू सिटी जोधपुर के अंदर और दिखाते हैं आपको जोधपुर के ब्यूटीफुल से नजारे। को ब्लू सिटी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, देखो ऊपर से सब चीजें ब्लू ब्लू देखने को मिल रही है। मेहरानगढ़ जिसके पीछे से सन सेट होता हुआ, क्या खूबसूरत नजारा है। और मैं हूँ आपका अपना दीप डाल, अभी पहुंचा हुआ हूँ जोधपुर, द ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। लुक एट द ब्यूटी ऑफ मेहरानगढ़, व्हाट एन ब्यूटी यार, बहुत बड़ा है। और इसको देखने के लिए आप जिपलाइन ले सकते हो, जिपलाइन सर्विसेज शुरू हुई है यहाँ पे, ऐसा बोर्ड लगा था मैंने देखा था। और ये देखो इधर सनसेट होने वाला है। राइट नाउ आई एम एट मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। लास्ट टाइम भी मैं इधर आया था तब थोड़ा लेट हो रहा था, तब सीधा निकल गया। इस बार सोचा था अंदर जाएंगे लेकिन इस बार फिर से लेट हो गए हैं, तो बाहर का ही नज़ारा आपको दिखा पा रहा हूँ मैं। इस बार तो क्लोज हो गया यार, काफ़ी लेट आए हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल किला है मेहरानगढ़ का, बाकी यहाँ के लोकल को बुलाते हैं, ये थोड़ी बात ज़्यादा बताएंगे। कम लोकल है हमारे अब। कैमल राइड भी ले सकते हो मेहरानगढ़ फोर्ट आके। लुक एट दिस, ये है कायलाना लेक। हम थोड़ा पहले आते तो हम ड्रोन शॉट लेते। लड़ाके के साइड में बोटिंग है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, राइट? बोटिंग है ला? बोटिंग है। बाकी ये देखो यार नारगढ़ की तरह ही है, बहुत पीसफुल लगा। ऊपर जाके बैठो, कहीं भी जाके बैठो, वाइब है भाई, वाइब है। तो एक बाइक का टूर लेके आते हैं यार, एक वो ब्लैक ब्यूटी है कि ये ब्लैक ब्यूटी और ये खूबसूरत नजारा कायलाना लेक का। अभी मैं एक ऐसे पॉइंट पे आया हूँ कायलाना लेक में, आप देख सकते हो यहाँ पीछे बोट यहाँ से होके गुजरी थी, अब हम एक ऐसे पॉइंट पे यहाँ से बिल्कुल जस्ट आगे, ये देखो नीचे से लेक का नजारा है, बहुत तो ब्यूटीफुल। और मैं एंड पॉइंट पे हूँ अभी। वैसे तो लोग ऊपर भी जाते हैं और जाके यहाँ ऊपर चल के सुसाइड पॉइंट बना हुआ है, मजा आ गया यार यहाँ आके, बड़ा पीसफुल है। कुछ देर यहाँ बैठेंगे, अंधेरा होगा उसके बाद जाएंगे वापस, आज स्टे हम जोधपुर ही करेंगे। देख रहे हो आप, ये है घंटाघर जो जोधपुर में मौजूद है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से निकल के आगे मेहरानगढ़ की तरफ गया था, क्या खूबसूरत नजारा है नाइट के टाइम पे, ये बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। सारे कैफेज भी देखने को मिलते हैं। ये है टूर जी का चाल रहा बावड़ी है, दिन में आते तो बढ़िया सी व्यू आता। वो सामने की साइड में पोर्ट देखने को मिल रहा है और ये देखो बावड़ी।